गुड मॉर्निंग गाइस, कल रात से बहुत तेज़ बारिश हो रही है। ओलावृष्टि भी हुई कल रात को, और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जो आलू लगाया है वो सारे आलू की फसल का सारी ख़राब हो जाएगी। और हिमाचल में 2 दिन तक बारिश बता रखी है। कल का दिन तो निकल गया, कल रात को हुई और अभी पूरा सुबह से बारिश लगी हुई, लगातार कंटिन्यू बारिश लगी हुई है। और बारिश भी कोई मूसलाधार बारिश नहीं है, हल्की फुल्की, लगातार इतनी तेज़ तेज़ से बारिश लगी हुई है। मैं खेत में एक बार देख के आता हूँ कि खेत में ज़्यादा बारिश से आड़ वगैरह आलू की टूटी तो नहीं है। अगर आलू की आड़ टूटी हुई तो फिर दोबारा बनानी पड़े, लेकिन इतना नुकसान नहीं हुआ, शुक्र है भगवान का। आपको भी दिखाता हूँ मैं, देखिए सामने आड़। ओ भाई साहब, पावर टिलर मेरा उधर ही खड़ा हुआ है मिट्टी में। चलो शुक्र है कि बचा हो गया। बारिश से ना इतनी आड़ नहीं टूटी, लेकिन मिट्टी जो हल्की फुल्की है ना वो ऊपर से नीचे हो गई होगी, तो शुक्र है कि इतना नुकसान नहीं हुआ। इस साइड मैंने धनिया लगाया, मूली, पालक और क्या बोलते हैं, शलगम। देखो कितने जोर से बादल गरज रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं इधर ही सारा बादल फट जाएगा। बहुत तेज से बारिश हो रही है और आगे भी मेरे को लगता है बारिश और तेज होएगी, तो अंदर चल के रेस्ट करते हैं, ठंड भी होने लगी। क्या हुआ? बारिश में प्रिय जी जा रहे हैं अपने ससुराल। मम्मी इन्ना लगा ना गड्डी पीछे करने ने। मम्मी प्रिय जी की गाड़ी बैक करवा रहे हैं, बारिश में बैक जो साइड मिरर होते हैं उनमें से पता नहीं चलता कि गाड़ी पीछे कैसे लेके जानी है, तो धीरे धीरे करके पीछे ले तो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा डर रहता है। देखना प्रिया ने मेरे क्रॉक्स वहाँ पे उतार दिए, क्योंकि उसकी गाड़ी वहाँ खड़ी थी और छतरी वहाँ पे रख दी थी। अब मम्मी लेके आ रहे हैं, मेरे को दूध लेके आना है और थोड़े से 2-3 काम और थे वो करने हैं। कर दो मम्मी, सारे आलू खराब हो गए ना है आलू है दोबारा ना ठंड लगे। पालो कुछ, मैंने ये पहन ली, मैंने स्वेटशर्ट पहन लिया है, सर्दी शुरू हो गई तो मैंने स्वेटशर्ट पहन लिया, क्योंकि नहीं मेरे को चाहिए। मैं दूध पकड़ा था ना आके, 5 मिनट में आया। घर में मामा जी आ रहे हैं व्रत लेकर के। एक्चुअली सुबह से बारिश लगी हुई है, तो उन्होंने सुबह आना था, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गए, तो मैं मम्मी ने बोला था कि दूध लस्सी लेके आना और मैं मिक्स वेज लेके आया ढाबे से, क्योंकि घर पे मम्मी ने दाल वगैरह बना रखी थी, तो मैंने सोचा कि मामा जी काफ़ी टाइम के बाद आ रहे हैं तो क्यों ना सब्जी वगैरह कुछ ले आते हैं। मिक्स वेज लेके आया हूँ और अभी कुछ देर में वो आने वाले हैं, तो प्रियत जी को भी कॉल कर देता हूँ कि वो भी मामा जी से वो भी मिल लेंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद मामा जी घर आ रहे हैं। किसी के पास आजकल इतना टाइम नहीं होता कि किसी के घर में जा सके, तो इसलिए मैं उनके लिए ले आया हूँ। लो पकड़ो, सामान पकड़ो, लो सामान पकड़ो मेरा। टाइम 4 बजे का हो गया, 4:30 बजे का, और अभी धूप निकली है, तो मैं खेत में जाके आया। पहले मैंने देखा खेत में कि कितना नुकसान हुआ है, लेकिन थोड़े थोड़े आलू बाहर निकले हैं, उनको मिट्टी चढ़ाएंगे, फिर वो अंदर हो जाएंगे। और शुक्र है भगवान का कि इतना हो नहीं, देखो खेत में कितने सारे पत्थर छोटे छोटे, ये सारे एक एक करके चुगने पड़ेंगे किसी दिन। और देखो आलू बाहर निकले हुए वो सामने, बाहर निकल रही थी, लेकिन अब तो ये आलू बाहर निकलने शुरू हो गए, मतलब मिट्टी सारी हट गई ऊपर से और आलू आलू चुके। तो 4-5 दिन के बाद जब निकल के सारी मिट्टी चढ़ा दूंगा। भाई ये भी टेढ़ा हो गया हवा की वजह से। कितनी तेज धूप निकली है और सर्दी वाला फील आ रहा है, क्योंकि धूप अच्छी लगने लगी है और छाया जो है अब अच्छी नहीं लग रही। और शाम को ये रहता है कि थोड़ी देर धूप और रहे तो और मज़ा है, लेकिन शाम को जल्दी अंधेरा। बहुत तेज़ हवाएं चल रही है, सबसे ज़्यादा काम खराब करती है हवा। अगर हवा ना चले, बारिश होती रहे ना, तो फिर कोई डर नहीं है। हवा जो होती है ना, इससे काफ़ी नुकसान होता है और इरिटेशन होती है, तो हवा जो है ये नहीं चलनी चाहिए। मम्मी को इंतज़ार है अपने भाई से मिलने का, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद मामा जी आ रहे हैं। ये हमारे सबसे छोटे वाले मामा जी से 2 नंबर ऊपर वाले मामा है, मतलब 2 नंबर या 1 नंबर ऊपर, 1 नंबर मतलब ये 6 नंबर के मामा जी है। तो सबसे छोटे मामा जी वो तो आते रहते हैं, ये वाले मामा जो है ये कभी कभी आते हैं। मम्मी को बेसब्री से इंतज़ार है और हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब आएंगे।
एक गाड़ी ने टर्न लिया लेकिन वो शायद दूसरी तरफ चली गई। मम्मी मम्मी की खुशी का ठिकाना नहीं कोई आज, नहीं तो मम्मी के भाई मम्मी को व्रत दे के। मम्मी ये बोलते कि मेरा कोई हक नहीं है अभी। हाँ, मम्मी नहीं। पर नहीं, मम्मी को ना आस होती है हर साल, है ना, क्योंकि मामा जी और ना हर साल देते हैं कि नहीं हमने देना ही देना सभी को। चंडीगढ़ लेके व्रत नहीं करा आया था मैं ना, मम्मी बोलते प्रिया को व्रत नहीं दिया, मैं चंडीगढ़ लेके गया था बरात भर के। मम्मी क्या क्या है आपको? चावल, नारियल, फेनिया, फेनिया, नारियल, एप्पल, सेव। सेव तुम्हारे पास है आप बड़े हुए? चावल ठीक है, और चीनी, चीनी उत्तम की चीनी, उत्तम सबसे अच्छी चीनी होती है उत्तम की। ये डब्बा, ये डब्बा एक बार लगा मामी, मामी ने एक बार मम्मी व्रत लेके आए, मम्मी ने ना डिब्बा उठा के ना शहर के ऊपर रख दिया कि बच्चे खा ले। मम्मी का सूट है और ये पैंट कमीज़। पैसे कितने दिए आपको? 1100 दिया मेरे को भी, दिए पैसे मम्मी ने, मैं मना कर रहा था उनको, फिर भी जबरदस्ती दे दिया उन्होंने। सभी को दिया, आपको भी दिया था? मैंने, हाँ मेरे को मामी ने शगुन दिया, तो फिर मैंने वंशिका को, मेरे को बचपन में वंशिका आई थी तो उसके लिए चूड़ियाँ लेके आती, तो मैंने उसको शगुन दे दिया, आशिमा को दो शगुन भी दे दिए, चूड़ी भी। तो बच्चों को मैंने 200 रुपया दिया, 100 रुपया मामी को, वो जबरदस्ती लेते नहीं थे। चलो चॉइस माने जा लेना, हमने बोला ना मम्मी को, मामी का फोन आया था तो हमने बोला ना कि सभी आ रहा। चलो हमारा तो इतना बनता नहीं है, नहीं तो नहीं नहीं है। फिर भी शगुन दे रहे हो ना? नहीं दिन दे ऐसा करते हैं। नहीं वो हर साल देते हैं जी, हर साल भेजते हो, चाहे अगर खुद के पास टाइम ना हो तो किसी के हाथ भेज देते। नहीं जो असि छोटे होते थे ना मम्मी, तो हमको बड़ा फील होता था ना, यहाँ सारे व्रत रखे, छोटे छोटे भी रख रही ना, फील पता क्या होना कि हमारे घर भी चूड़ियाँ मम्मी ना फेरिया संभाल के रखते थे कि हो या इस दिन खाऊंगी मैं। लंबी उम्र का है पापा, सानू तिल फुल असि हकदार भी नहीं है वो। बोल रहे थे तूने अच्छी टोपी लगा रखी है। मैं क्या ठंड लग रही थी, मैंने फिर इसलिए लगाई, अच्छी लगती है ना, लगा देखना, लगाना लगाया। हाँ कितने लग रहा है? एक मिनट फोटो खींचा। फिर जी आंटी को घर छोड़ने जा रहे हैं तो आंटी बोल रहे हैं कि मम्मी को भी चलो, मम्मी मना कर रहे हैं, मम्मी डर रही है कि तू आगू के लिए कैसे आएगी। चले फिर चले, चल मम्मी को भी मना दो, अगर मैं चला मम्मी नहीं चल पाएंगे। मम्मी चलिए, रेखा गाना लगाओ, बाबुल की दुआएं, गाना लगाओ सर, गाना बाबुल की दुआएं लेती जा, सांस ले रहा है तुझे। मैं आपको लेने आई थी मम्मी, और पैर तक चला रहे हैं, और फिर तो यही काम करे जाओ, आई जाओ जाओ। मम्मी चलो फिर, चलो जल्दी कर लो। हमारे किचन के कैबिनेट थोड़े से ख़राब हो गए थे, लूज़ हो गए थे, तो उनको टाइट करने के लिए कारपेंटर भैया को बुलाया है, तो अभी वो आए हैं और उसको ठीक कर रहे हैं। तो मैं चाची को बोल रहा हूँ कि 3-4 सेब काट दो, चाय के लिए भैया मना कर रहे हैं, तो सेब काट के खा लेते हैं हम भी और उनको भी देते हैं। ये दोनों निकाल के सेट हो भैया? नहीं लेवल, हाँ जी कुछ नहीं, नहीं मतलब निकाले बाहर, नहीं बाहर निकालना, लेवल लेवल करने दा। सारे खोल ले भाई, भाई नहीं तो नामी लगा रही दुए चैनल होए दे विच, नो पर कल चैनल लग रहा। हां जी कल चैनल लग रहा। क्या हुआ? दाल देख कितनी बना ली मम्मी ने। कोई बात नहीं, हो जाएगा, तुम परांठे बना लो, हो गया ठीक ना। अब देख पहले बाहर निकल दे। हां ये नीचे वाला था मेरे गोड्डे में लगा है इतनी जोर से, ये वाला ना। हां हो गया ठीक, खाने का थोड़ा। हां सामान डाल लो उसमें। अच्छा मैं जा रहा हूं, ओ ठीक है, कलर ना हो सुन भाई के, कलर ठीक है ना, या मैं देख लेता कोई अच्छा कलर और हुआ तो ले आऊंगा ना। हाँ फिर वही पता क्या,
वो सामने दीवार फिर ग्रे है ना, उस पर मैंने ग्रे लगाना था, नहीं तो दीवार ग्रे है फिर लगेगा तो ठीक है, उसी उसी जगह पे लगेगा और अच्छा वहीं पे लगेगा क्योंकि यहाँ पे नीचे क्यों नीचे का इतना तो आएगा 18 इंच का, हाँ बतरी जगह बच जानी। चल मैं चल रहा है, चल रहा मैं लेट आना थोड़ा, अच्छा सामान सामान लेके आना। मैं नहीं मम्मी को नहीं लेके आऊँगा मैं आज, नहीं पूछ लेता हूँ अगर दुकान पे हो तो उनको बोल दूंगा दुकान वाले पकड़ा देंगे। हमारे गांव के ना एक दुकान खुली है डायरी प्रोडक्ट्स, वहाँ पे सारे मिल जाते हैं, तो हम उनको बोल देते हैं वो सारा सामान जो है अगर मैं घर पे ना हूँ तो वो घर हमारे पहुँचा देते हैं। क्या हुआ बाय कर रहा है, जाऊँ मैं जाऊँ? ये बोल रहा है कि दीपू भाजी घर जाए फिर मैं शरारते करूँ, है ना शरारते करेगा तू है? देखना मम्मी जुराबे खोल कहाँ फेंक की मम्मी ने, ये देखो मैंने सफाई की यार सारी। मम्मी क्या किया आपने, ये कहाँ फेंक दिया आपने? और सबसे बुरी बात की बेड पे बैठ के खाना खाते हैं सर। नहीं हाँ, मैं कुर्सी पे खाता हूँ, यही खाता है, मैं कुर्सी पे खाता हूँ। मम्मी ला लेंगे ऐसी, मम्मी आपके सूट के साथ मैच कर गई बेड शीट, नहीं वो कर लेंगे बिछा लेंगे थल्ले क्या खाना, वो नहीं हम बिछाते, मैं कुर्सी बैठ के खाता हूँ, मैं भी खा के दिखाता हूँ।